हाय एवरीवन, सो टुडे विद अस प्रांजलि। हाय प्रांजलि, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हेलो सर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रांजलि से, प्रांजलि के कॉलेज के बारे में। कॉलेज किस तरीके का है, अकेडमिक्स किस तरीके का है, क्या कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले प्रांजलि, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका कॉलेज है, और पिछले साल नीट में आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी? हेलो एवरीवन, आई एम प्रांजलि गौतम एंड लास्ट ईयर मैंने नीट 2023 दिया था एंड मेरी रैंक थी 12,114। आई बिलोंग टू हरियाणा एंड मुझे कॉलेज मिला था राउंड वन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज विच इज इन दिल्ली। ओके, सो प्रांजलि, आपके पास में दिल्ली डोमिसाइल होगा, ऑब्वियसली आपको दिल्ली डोमिसाइल के थ्रू ये कॉलेज मिला होगा। तो सबसे पहले मैं कॉलेज के बारे में स्टार्ट करूँ, तो कॉलेज आपका दिल्ली में किस लोकेशन पे, मेन सिटी के अंदर है या फिर थोड़ा आउटसाइड है, कौन सी लोकेशन है, किस तरीके की वो लोकेशन है? नहीं सर, कॉलेज हमारा मेन सिटी में ही है बल्कि हार्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में कनॉट प्लेस में लोकेटेड है। तो मेन सिटी में ही सब कुछ एक्सेसिबल है, उधर कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट प्लेस जिसको कहते हैं ना, वहां पर है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो कितना दूर है कॉलेज से? सर हमारे 3 हॉस्पिटल है एसोसिएटेड। एक तो है श्रीमती सुचेता कृपलानी, एक कलावती हॉस्पिटल विच इज फॉर बेसिकली फॉर चिल्ड्रन एंड थर्ड इज द लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो वो सब कॉलेज के साथ अटैच्ड है, लाइक 5-10 मिनट्स वॉक, एंड कॉलेज का जहाँ बिल्डिंग है उससे बल्कि 2 मिनट्स वॉक है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, फिर फर्दर 2 मिनट्स कलावती एंड सुचेता कृपलानी। तो ऐसे ही है, 5-10 मिनट्स वॉक। तो एक सवाल मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ, जैसे कि लेडी हार्डिंग कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है आपका, तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके अकॉर्डिंगली, अगर एक सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो तो? सर प्रोज एंड कॉन्स सिर्फ गर्ल्स कॉलेज की वजह से तो मैं थोड़ा बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे को 1 साल हो चुका है एंड मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, इससे कम यहाँ पर वो फैसिलिटीज है यहाँ पे, बल्कि ज्यादा ही है। ओनली गर्ल्स कॉलेज की वजह है तो उनके लिए सेफ्टी कंसर्न भी बहुत ज्यादा है, पूरी सेफ्टी रहती है कॉलेज में एंड कोई फन कम नहीं होता कॉलेज में, उतना ही होता है जितना मेरे को लगता है कोएड में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह से बात होती है जो मैम सी या बीएमएमसी में है। तो मुझे नहीं लगता हम कहीं लैग आउट करते हैं कि ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो प्रोज एंड कॉन्स एज इन गर्ल्स एंड बॉयज की वजह से मुझे अभी तक फील नहीं हुआ इन 1 ईयर। ओके, तो सबसे पहले मैं हॉस्टल के बारे में आ जाता हूँ। हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से अलॉट हो जाता है कॉलेज के अंदर? यस सर, फर्स्ट ईयर में अलॉट हो जाता है, मतलब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं ज्यादा, बट बाहर लाइक हरियाणा पंजाब बाकी दूर दूर सबको हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में कितने लोग रह रहे होते हैं एक रूम के अंदर हॉस्टल में? फर्स्ट ईयर में सर ट्रिपल शेयरिंग रूम होते हैं, ट्रिपल शेयरिंग, और फिर सेकंड ईयर में भी ट्रिपल शेयरिंग या फिर दो लोग हो जाते हैं? नहीं हाँ, फिर सेकंड एंड थर्ड ईयर में डबल शेयरिंग होता है एंड फिर फाइनल ईयर में वो सिंगल शेयरिंग हो जाता है। ओके, और अगर मैं कॉलेज के एकेडमिक्स के बारे में बात करूँ तो एकेडमिक्स किस तरीके का है? ऑल्दो दिल्ली के जो भी कॉलेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एकेडमिक्स को लेके, तो LHMC का एकेडमिक्स किस तरीके का है? अकेडमिक्स सर बियॉन्ड पार है, मतलब बहुत अच्छे अकेडमिक्स हैं, प्रोफेसर सारे लाइक बहुत एक्सपीरियंस टैलेंटेड एंड फैसिलिटीज भी फिर लाइक दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे पहले आई जाती है, कोई भी नहीं होती है। तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं लैब्स में और कैडेवर भी अप्रोप्रिएट नंबर में है, लाइक सफिशियंट स्पेशियस हॉल्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लाइक 250 का बैच है तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ बहुत बड़ा है, लेक्चर थिएटर्स बहुत बड़े हैं और लाइक अकोमोडेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। न्यू अकेडमिक ब्लॉक बना है हमारा, तो उसमें बहुत बड़े एकेडमिक हो, लेक्चर थिएटर्स हैं एंड स्क्रीन वगैरह। तो प्रोफेसर्स जब भी आते हैं, प्रोफेसर्स कोई सारे एक से बढ़कर एक, लाइक पीजीज जो हैं उनके भी कभी साथ हमारी क्लास हो जाती है तो पीजीज भी हमें फील नहीं होने देते कि वो पीजी है या रेजिडेंट है जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो सब लोग बहुत टैलेंटेड है प्रोफेसर्स, तो मैं मतलब कभी भी कोई डाउट पूछ लो हमें फील नहीं होने दिया कॉलेज में, वही जो हम कोचिंग वाली फीलिंग होती थी वही है कि कभी भी जाकर हम डाउट पूछ सकते हैं कॉलेज में, क्योंकि जनरली मैंने सुना है कि खुद से पढ़ाई करते हैं और कोई डाउट रहता है तो प्रोफेसर्स जनरली क्लियर नहीं करते हैं, हमें खुद से करना पड़ता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, सारे एचओडीज बहुत सब लोग सपोर्टिव हैं, और कोई भी नोटिस वगैरह होता हम लोग को बता देते हैं पहले टाइमली। ठीक है, तो अगर मैं कॉलेज के मेस की बात करूं, मतलब मेस किस तरीके का है तुम्हारा, हॉस्टल में जो मेस है, खाना सब, जैसे कॉलेजेस का काफी प्रॉब्लम आती है, इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मेस का खाना अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा मेस का खाना किस तरीके का है? सर मेस का खाना, लाइक हमारी ना 3 मेस है, एक यूजी मेस है, एक पीजी मेस है, एंड एक आरएमओ रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए। तो हम लोग जो है हॉस्टल के अंदर ही जो है वो है यूजी मेस। तो यूजी मेस में खाना है ओके, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत गंदा भी नहीं है, ओके है कि ठीक है खा सकते हैं। एक पॉइंट पर ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को वहां नहीं खाना, तो हम पीजी मेस चले जाते हैं, वहां पर भी बेयर मिनिमम प्राइजेस पर बहुत अच्छा खाना होता है। और बाकी कभी कभी फिर आरएमओ भी हम जा सकते हैं। यूजी मेस की हमें फीस देना कंपलसरी होती है, इट इज 2900 पर मंथ, वो कंपलसरी हमें पे करना। उसमें हमें 4 टाइम का मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स 4 o'clock मिलते हैं, एंड फिर डिनर। तो वो 2900 में वो कवर है। पीजी मेस में फिर हमें पे करके खाना पड़ता है, वो भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर, अगर हम यूजी मेस से नहीं खाना चाह रहे तो। ठीक है, और कोई हॉस्टल ना रहना चाहे तो रह सकता है बाहर दिल्ली के अंदर? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं, वो ऐसा भी करते हैं बच्चे, मैंने बल्कि देखा है कि वो उन्हें हॉस्टल बुक हॉस्टल में होता है, उनका सामान रहता है, बट वो हॉस्टल में नहीं रहते, उनका घर अगर 10-15 किलोमीटर्स है तो वो मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, दिल्ली में मेट्रो है, तो वो घर पर ही रहते हैं। बट कभी जैसे फेस्ट हो गया कोई, या रात को लेट आ रहे हैं, या कभी कोई बारिश वगैरह ज्यादा तेज हो रही है, तो वो हॉस्टल में ही रुक जाते हैं अपने रूम के अंदर। ठीक है, कॉलेज के फेस्ट और इवेंट्स की मैं बात करूं तो फेस्ट किस तरीके का होता है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ फेस्ट अभी सर 2 साल से किसी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो रहा है। अभी लास्ट टाइम हमारा होना था, बट वो बीच में अटैक थ्रेट्स आ रहे थे ना हॉस्पिटल्स पे, उस वजह से कैंसिल हो गया था, क्योंकि गैदरिंग ज्यादा होती है। तो फेस्ट होता है हमारा स्प्लैश, और वो कॉलेज में ही होता है, और जनरली नवंबर अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पीरियड में होता है। तो फेस्ट होता है वो कितने दिन का होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता पाओगे? ठीक सर 3 या 4 दिन का होता है, हमारे लास्ट टाइम 3 दिन का होना था, बट जनरली 4 दिन तक चलता है फेस्ट। उसमें इंटर कॉलेज सब कुछ होता है, बाकी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फिर स्टार नाइट होती है। है, और स्पोर्ट्स की कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? सर स्पोर्ट्स में हमारी ना, जैसे हमारी डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, स्पोर्ट्स सोसाइटी, डांस सोसाइटी, म्यूजिक एंड ड्रामा, तो उसमें स्पोर्ट्स सोसाइटी है वेंसिडो, उसमें सब कुछ होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, और टेबल टेनिस वगैरह के लिए जिम में फैसिलिटीज भी हैं, और स्विमिंग अभी फिलहाल बंद कर रखी है 2-3 साल से, बट स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी थी पहले, अभी नहीं है। और बाकी स्पोर्ट्स में रनिंग, स्प्रिंट, और बाकी बहुत वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी है अवेलेबल। ठीक है, हॉस्टल की कोई टाइमिंग्स है कि इतने बजे हॉस्टल का गेट क्लोज हो जाता है या फिर 24/7 ओपन ही रहता है? नहीं सर, हॉस्टल 24/7 ओपन है, कोई इन टाइम नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, इनफैक्ट हम कॉलेज के बाहर भी जा सकते हैं कितने भी बजे, और फिर कभी भी अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा इनको कंपेयर करें अपन दिल्ली के अदर कॉलेजेस से, LHMC को, मौलाना आजाद से, VMMC से, RML से, और बाकी के डिफरेंट NDMC वगैरह, BSA वगैरह से कंपैरिजन करें, तो ये कॉलेज तुम्हारा किस तरीके का है? अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए कॉलेज स्विच करने का, तो वुड यू गो टू अदर कॉलेज अगर आपके पास ऑप्शन हो तो? मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें अपन इस कॉलेज को और कॉलेज से, तो कैसा है? सर दिल्ली के कॉलेजेस में अगर एम्स दिल्ली को साइड हटा दें, एम्स दिल्ली इज नॉट कंपेरेबल, एम्स दिल्ली इज एम्स, बाकी मैमसी, UCMS और LHMC DU के अंडर ही आते हैं, तो उनके सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, सेम एग्जाम पैटर्न होता है, तो मेरे को इन तीनों कॉलेजेस में कोई डिफरेंस नहीं अभी तक फील हुआ। बल्कि LHMC में हॉलीडेज बहुत कम होती है, रक्षाबंधन की हॉलीडे नहीं होती, दिवाली पे हॉलीडे नहीं होती, तो ना हमें फर्स्ट ईयर में विंटर वेकेशन मिली, समर वेकेशन कुछ भी नहीं मिला हम लोग को।
लेकिन मैमसी में जो फ्रेंड्स है उनसे हमें पता चला कि मैमसी में समर वेकेशन भी हुई थी, विंटर वेकेशन भी हुई थी, दिवाली पर भी 1 वीक का ब्रेक मिला था। तो मैमसी में अकेडमिक्स ऑफ कोर्स है, बहुत अच्छी है मैमसी, काफी टॉप पे आता है। तो और यूसीएमएस, यूसीएमएस का एक बस माइनस पॉइंट है उसकी लोकेशन, बाकी यूसीएमएस इज ऑल्सो वेरी गुड। तीनों कॉलेजेस में अकेडमिक्स बिल्कुल सेम है क्योंकि तीनों की यूनिवर्सिटी सेम है, तो हमारा जो पैटर्न है सबका टीचिंग का और जो भी शेड्यूल्स बनकर आते हैं वो सेम बनते हैं। बस फर्क इतना हो जाता है हमारे एग्जाम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जो टेस्ट होते रहते हैं वीकली बहुत ज्यादा, और हमें छुट्टियां नहीं मिलती। बाकी मैमसी एंड यूसी में हॉलीडेज वगैरह सब अच्छे हैं। बाकी बाकी कॉलेजेस वीएमएमसी सफदरजंग सर, तो वीएमएमसी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वीएमएमसी में उनका हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अच्छा है एंड उनकी लोकेशन भी एम्स के जस्ट अपोजिट है, वो एम्स के जस्ट अपोजिट लोकेटेड है वीएमएमसी। तो वहां पर भी उनका अभी, बल्कि आरएमएल वगैरह में एग्जाम्स अभी फिनिश हुए हैं फर्स्ट ईयर के, लाइक कल या परसों ही हुए, और हमारे हो चुके थे 10 अगस्त को, 15 दिन पहले हो चुके थे हमारे, जबकि हमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बीच में 1 वीक का ब्रेक भी मिला था। तो उनके उनका लेट चल रहा है सेशन, और हमारा सेशन सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। एनडीएमसी, बीएसए जो है उनके बारे में मुझे थोड़ी कम नॉलेज है। बीएसए रोहिणी में लोकेटेड है और एनडीएमसी मुझे लगता है थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में है। बाकी कॉलेजेस सारे बहुत अच्छे हैं, और एलएच, मैमसी और यूसी तो सर तीनों बिल्कुल इक्वल है। एनआईआरएफ में भी सब आसपास ही आते हैं, लाइक एलएचएमसी 29 पर है। लास्ट ईयर तक मैमसी एलएच से 2 रैंक नीचे था, अभी फिलहाल 2 रैंक ऊपर है, तो सारे ऑलमोस्ट इक्वली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे तुमको थोड़ा आइडिया होगा, डीयू कोटा होता है नीट पीजी के अंदर, तो उसके बारे में तुम थोड़ा बता पाओगे कितना फायदा होता है अगर अपन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले किसी कॉलेज से अगर एमबीबीएस करते हैं तो कितना फायदा होता है, किस तरीके का फायदा होता है? सर मेरे को जितनी नॉलेज मेरे को मिली सीनियर से, उतने में मेरे को पता चला कि जैसे डीयू कोटा है वो हम लोगों ने दिल्ली से करी है कर अपनी एमबीबीएस, तो सबको ये पता है कि पीजी भी दिल्ली से बेस्ट है इंडिया में, क्योंकि यहाँ के जो जो भी कोई न्यू फैसिलिटी आती है सबसे पहले दिल्ली में आ जाती है, और पेशेंट लोड भी फिर ज्यादा है उस वजह से, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ज्यादा होता है एंड सैलरी सबसे ज्यादा यहाँ पर ही है दिल्ली में। इनफैक्ट इंटर्नशिप में भी सबसे ज्यादा सैलरी दिल्ली में होती है बाकी स्टेट्स को छोड़ के। तो मेरे को जितना पता चला था उतना है कि 50% कोटा होता है शायद दिल्ली का अपने ही कॉलेज के बच्चों के लिए इन अपनी स्टेट के लिए, और डीयू का जैसे अलग है तीनों, तो हमारा जो कंपटीशन होगा पीजी में वो सिर्फ 3 कॉलेज के साथ होगा डीयू कोटा में, मैमसी, यूसी और एलएच। हम हमारा जो है वो इन 3 कॉलेजेस के बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन हो, तो कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है अगर हमारे पास डीयू कोटा ऑलरेडी है, तो वो चीज बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि एमबीबीएस अगर दिल्ली से हो रही है तो उससे बेस्ट तो फिर ऑप्शन है ही नहीं कोई, क्योंकि पीजी भी फिर ऑलमोस्ट सेट ही है, क्योंकि कोई बच्चा अगर दिल्ली आ रहा है तो वो कर सकता है पीजी भी अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फाइनली आपके अकॉर्डिंगली कॉलेज सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो लोग बेसिकली अभी काउंसलिंग में जा रहे होंगे? ऑल दो सभी बच्चों को दिल्ली में कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहता है, स्पेसिफिकली अगर ऑल इंडिया कोटा से मैं बात करूँ तो। फिर भी जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल का एमबीबीएस का, उस अकॉर्डिंगली किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैंने प्रॉक्सिमिटी देखी थी कि वो उसकी कनेक्टिविटी कितनी मेरी होम स्टेट के साथ, क्योंकि बहुत दूर चले जाओ फिर 1 साल तक नहीं मिलना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर थोड़ा प्रेशराइज भी करता है, हमें नहीं पता होता कि ऐसे सब कुछ करना है, तो फैमिली का सपोर्ट पूरा चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने कनेक्टिविटी का रखा था, लाइक दिल्ली तो सबके ऑप्शन में सबसे ऊपर रहता ही है, तो मेरा भी दिल्ली सबसे ऊपर ही था। उसके बाद मैंने देखा था राजस्थान के कॉलेजेस, वो भी टॉप में आते हैं कॉलेजेस। मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग बेसिकली ओपन करके मैंने लिस्ट पूरी देखी थी, तो उसमें एसएमएस हो गया, और एसएमएस नहीं, एसएमएस जो है वो काफी अच्छा कॉलेज है राजस्थान में, मतलब दिल्ली के कॉलेजेस के कंपेरिटिवली वो भी उन्हीं के आसपास ही आता था, बल्कि ऊपर ही था थोड़ा, तो वो मैंने ऊपर रखा था। मैंने पहले कनेक्टिविटी देखी एंड एनआईआरएफ, इन दोनों चीजों को कंपेयर करा था, उस हिसाब से अपनी लिस्ट प्रिपेयर करी थी। फिर मैंने देखा था बॉन्ड तो नहीं है कहीं, क्योंकि हरियाणा में बॉन्ड है पीजीआईएमएस में या फिर कल्पना चावला, तो
उनमें 5 ईयर्स 7 ईयर्स का बॉन्ड है, तो वो भरना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बॉन्ड वाले स्टेट्स को, बॉन्ड वाले कॉलेजेस को पीछे कर दिया था थोड़ा। फिर उसके बाद पंजाब के कॉलेजेस में जैसे फीस ज्यादा है, जीएमसी, पटियाला हो गया, लुधियाना, तो उनमें फीस ज्यादा थी, 2-3 लाख थी। उसके ऊपर फिर हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, तो उसके करके मैंने पंजाब के कॉलेजेस भी थोड़े मिडल में रखे थे। तो ऊपर, सबसे ऊपर दिल्ली के करके, फिर NIRF वाले कॉलेजेस, और उसके बाद फिर हरियाणा, पंजाब, ऐसे मैंने फिल करी थी अपनी चॉइस। ओके प्रांजलि, काफ़ी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा, जो उनको कॉलेज के सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी जो अभी काउंसलिंग में जा रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर।